बुंदेलखंड के बांदा में रक्षाबंधन का त्यौहार जोर शोर से मनाया गया। भाई बहन के इस त्यौहार पर बहनों ने अपने भाइयों की कलाई में राखी बांधकर उनकी लंबी उम्र की भगवान से कामना की। वहीं जेल में बंद बंदियों की बहनों ने भी जेल जाकर अपने भाइयों को रक्षा सूत्र बांधा और उनकी लंबी उम्र की कामना की। जेल प्रशासन की ओर से भी इस त्योहार को लेकर समुचित व्यवस्था की गई थी, जहां बहनों के लिए जेल प्रशासन ने एक थाली में जरूरी सामान उपलब्ध कराए थे। जेल में आए हैं, क्या करने आए हैं जेल में? राखी बांधने भाई को। कैसा लग रहा है, कैसा लगेगा जेल में, किसी को कैसा लग सकता है? क्या खुशी के मौके पे दुखी जाहिर ज्यादा हो रही है कि अगर घर में होता तो अच्छे से ये त्योहार होता है? जेल में क्या किसी को अच्छा लगता है क्या? आज भाई भी हमारा दुखी होगा, हम लोग भी दुखी। 6 साल हो गए उसको। 6 साल हो गए? किस चीज़ में बनता? दहेज में लगा दीजिए तो क्या मान में आए। मेरी बड़ी बहन, मेरी माँ अतर रस। क्या राखी बांधने आई है जेल में? हाँ, राखी बांधने आए भाई अंदर, 4 साल हो गए। आज जेल में बंद है भाई आप? बहुत दुख हो रहा, भाभी खत्म हो गई। भाई को राखी बांधने आई है। मंडल कारागार बांदा में सैकड़ों की तादाद में सुबह से ही जेल में बंद बंदियों की बहनों की लंबी लंबी लाइनें देखने को मिली। हर बहन अपने भाई की कलाई में रक्षा सूत्र बांधने के लिए खड़ी दिखी। वहीं कई बहनें ऐसी भी थी कि वह भावुक नजर आईं। जाइए आप, किससे मिले आई हैं आज जेल? इससे पहले आप घर में बनाती थी, बांधती थी राखी, पहले कैसा लगता था? अब बांधा के बांधना पड़ रही है आपको जेल में? जी भैया, कब से बंधे हैं आपके यहाँ पर? 5 साल हो गए हैं। कहाँ मिलने आई हैं आप? क्या कैसा लग रहा है आपको? भैया से मिलकर अच्छा से लग रहा है, लेकिन भैया पहले आप घर में रहते थे भैया जी, और आप जेल में बांध रही हैं, तो कैसा महसूस कर रही हैं आप? अच्छा तो नहीं लगता, लेकिन आज तो मैं सिर्फ भैया से मिलने जा रही राखी बांधने के लिए। अच्छा, कब से अंदर हैं? 2 साल हो गए पापा। मम्मी पापा आप आए हैं? पापा हैं। इस मौके पर जेल अधीक्षक ने बताया कि 15 अगस्त और रक्षाबंधन एक दिन होने के कारण भाइयों से मिलने की परमिशन दी जा रही है, अन्यथा 15 अगस्त के दिन जेल में किसी को आने की इजाजत नहीं होती। योग है कि 15 अगस्त और रक्षाबंधन साथ साथ ये पर्व आज है, और इसके उपलक्ष में हमारे डीजी के आदेश से आज अवकाश रहते हुए भी जो दूर दराज से बहनें आई हैं अपने भाई को रक्षा सूत्र बांधने के लिए, उनकी अलग व्यवस्था की गई है ताकि कोई भी बहन बिना रक्षा सूत्र बांधे हुए ना जाए, और उनके लिए पूजा की थाल जेल प्रशासन के द्वारा व्यवस्थित किया गया है। उसमें घी के दिए हैं, रूड़ी है, चंदन है, राखी है, मिठाई है, वो जेल प्रशासन की ओर से दिया जा रहा है। सर लगभग कितने आज बहनाएं मिलने आई हैं? अभी तक जो हमारे संज्ञान में है करीब 100 से 125 के बीच में पर्ची आई है, और मैंने ये कहा है कि कोई भी बहन जिनका मुलाकात ड्यू हो अथवा न हो, कोई भी बहन लौट के नहीं जाएगा, जब तक बहनें आएंगी तब तक उनकी मुलाकात कराई जाए, और प्रशासन उसके लिए कटिबद्ध है। इस मौके पर प्रशासन ने सुरक्षा के कड़े बंदोबस्त कर रखे थे और लोगों को कोई परेशानी ना हो इस बात का भी ख्याल रखा गया। बांदा से जफर अहमद की रिपोर्ट, पंजाब केसरी टीवी।